नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले इस देश में क्या बेटियां सच में सुरक्षित हैं? यह सवाल हर किसी के मन को कुरेद रहा है। आयशा के साथ हुई घटना के बाद ये सवाल और ज्यादा जरूरी बन चुका है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर तो न जाने कितने कानून बने, लेकिन फिर भी बेटियों पर आ रही आए दिन की खबरों ने कानून पर भी सवाल उठा दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पत्नी को पीटने वाले एक शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने ससुराल में पत्नी को लगी किसी भी तरह की चोट के लिए पति को ही जिम्मेदार बताया है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ससुराल में महिला पर भले ही किसी अन्य रिश्तेदारों ने हमला किया है, लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा। आपको बता दें कि पत्नी से मारपीट के आरोपी शख्स की यह तीसरी शादी है, जबकि महिला की दूसरी शादी है। शादी के एक साल के बाद 2018 में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बीते साल जून में महिला ने लुधियाना पुलिस में अपनी पति ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। महिला का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न करने की वजह से उसे उसके पति ने, उसके ससुर और उसकी सास ने बेरहमी से पीटा था। आरोपी के वकील ने जब अग्रिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप किस तरह के आदमी हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति गला दबाकर उसकी हत्या करने वाला था। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे अपने गर्भपात करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। आरोपी के वकील के अनुरोध करने के बाद भी बेंच ने शख्स की जमानत याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसके पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या आयशा केस में भी नया मोड़ आएगा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इस फैसले के बाद बेटियों पर हो रहे अत्याचार में कमी आएगी? आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो लोग एचसीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।